सात दिवसीय राष्ट्र सेवा योजना शिविर में बाल कल्याण समिति की टीम ने पहुंचकर महिला अधिकारों और स्वावलंबी बनने की जानकारी दी। पीजी कॉलेज टीकमगढ़ एवं राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर की प्रभारी श्रीमती मंजू सिंह कुशवा के मार्गदर्शन में सात दिवसीय राष्ट्रीय सेवा योजना के विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पीजी कॉलेज की छात्राओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सात दिवसीय राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर का आयोजन कुंडेश्वर धाम के पास गणेशगंज माध्यमिक शाला परिसर में किया जा रहा है, जिसमें शुक्रवार की दोपहर बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष प्रीति सिंह परमार ने बालिकाओं के बीच पहुंचकर महिलाओं के विशेष अधिकारों की जानकारी साझा की। टीकमगढ़ से सुबोध पाठक की रिपोर्ट। क्या नाम गुड़िया है? बताएं, जो आज आपका ये शिविर आयोजित हो रहा है, इसमें क्या कुछ सीखने को मिल रहा है? NSS के जो ये कैंप लगा है 4 जनवरी से, तो ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक योजना संघ है, इससे हमें देश वो सेवा की भावना और सारी जानकारी मिलती है। और जो आज मैम आई प्रीति सिंह परमार मैम, उनसे हम सब लोगों को विधि की जानकारी मिली है। कई बच्चों को इसकी जानकारी नहीं होती, कुछ बच्चे हैं जिन्हें होती है, लेकिन आज मैम ने बहुत ही अच्छे तरीके से हम सब लोगों को ये जानकारी दी है, जिससे हम लोग बाद में इसका लाभ भी ले सकते हैं। जी, आप अपनी हम उम्र की लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहती हैं? हम यही कहेंगे कि ये जो आज बताया है या फिर हम लोग जो आज पढ़ लिख रहे हैं, उससे हम लोग अवेयर हों, जागरूक हों और उसका लाभ भी उठाएं। ये नहीं कि हम लोग पढ़ लिख रहे बस हो गया, पढ़ने लिखने का भी कुछ हम लोगों को उसका लाभ उठाना चाहिए अपनी सर जिंदगी में जो होता है, तो जीवन में हम अपने इसका जागरूक रहें और इसके प्रति सचेत रहें। जो भी हमारे साथ घटनाएं घटित होती हैं उनसे हम अवेयर रहें और बस इन सब चीज़ों का लाभ उठाएं, यही कहना। बताएं मैडम, आज क्या कार्यक्रम था, किस संदर्भ में आप यहाँ आई? जी, आज यहाँ पे राष्ट्रीय सेवा योजना का शिविर पीजी कॉलेज का लगा हुआ था, जिसका आज चौथा दिन है और सात दिवसीय शिविर लगा हुआ है, जिसमें मैंने यहाँ पे आके बच्चियों को उनके कौन कौन से अधिकार होते हैं, किस किस अधिकार और कौन कौन से कानून उन्हें जानना ज़रूरी है, वो सब मैंने उन्हें बताया। जैसे पॉक्सो के अंतर्गत कौन सी धाराओं के अंतर्गत वो किस तरीके से रेमेडी ले सकती हैं, कहाँ वो कंप्लेन कर सकती हैं, उन्हें किस तरीके से लीगल एडवाइस मिल सकती है, फिर इसी तरीके से अन्य धाराओं के बारे में, घरेलू हिंसा डोमेस्टिक वायलेंस के लिए और साथ में भरण पोषण अधिनियम के अंतर्गत वो किस तरीके से ले सकते हैं। साथ में ही इनको मैंने ये भी बताया कि एजुकेशन के बाद में और PNPCDT के तहत भी ये भ्रूण हत्या के बारे में और किस तरीके से ये आफ्टर प्रेगनेंसी हो 6 महीने का उनको लीव भी प्रदान होता है, तो यानी बच्चियों को जो जो चीज़ें जानकारी होनी चाहिए। साथ में इनको चाइल्ड लाइन के बारे में नंबर दिया, हेल्पलाइन पुलिस का भी नंबर दिया, SNU ये जो पुलिस का नंबर होता है बालिकाओं के बारे में, और साथ में ये भी बताया कि किस तरीके से ये अपनी बात रख सकते हैं, इनको कब कौन अरेस्ट नहीं कर सकता है, ये अपनी बात साधारण तरीके से किसी अपने परिवार वाले की उपस्थिति में और आपके न्यायालय में बता सकते हैं, इनकी पहचान को बाहर उजागर नहीं किया जा सकता है और ये अपने साथ होने वाली घटनाओं के लिए, या वो चाहे साइबर क्राइम हो, चाहे वो फेसबुक पे परेशान किया जाना हो या किसी के द्वारा ट्रॉल किया जाना, इन सभी बातों के बारे में इनको जानकारी। शहर में तो बच्चियां काफ़ी अवेयरनेस रहती हैं, लेकिन ग्रामीण अंचलों में कहीं ना कहीं देखा जाता है कि बच्चियां इन चीज़ों से जागरूक नहीं हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहती हैं? देखिए, हम लोग ग्रामीणों में स्तर पे भी कई शिविर चल रहे हैं, बट यहाँ पे चूँकि ग्रामीण स्तर की भी कुछ बालिकाएं हैं जो पीजी कॉलेज बाहर से आती हैं, उनसे बातचीत हुई, उन्होंने कई प्रश्न रखे, वो जानकारी हासिल करना चाहती थी और मुझे बड़ा अच्छा लगा और मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहूँगी मंजू मैम को, साक्षात मैडम को, जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और मैं अपनी सारी बातें उन्हें बता पाई, सारे अधिकारों के बारे में बता पाई, फैमिली कोड 498A के अगेंस्ट पे दहेज प्रताड़ना के खिलाफ भी बता पाई, साथ में बच्चियां जो ग्रामीण क्षेत्रों की है तो उनको जो अवेयरनेस नहीं है, तो ये बच्चे जब अवेयर हो जाएंगे ये वहां जाके उनको बताएंगे, घर के छोटे बच्चों को बताएंगे कैसे इनको मास्क लगाना है,
कैसे इनको अपने छोटे भाइयों को गुड टच बैड टच के बारे में बताना है। मैंने एक पूरा, ये कह सकते हैं पूरा एक पूरा सभी चीज़ों पे फोकस करने की कोशिश की है ताकि ये बच्चियाँ अपनी सहेलियों को जो ग्रामीण अंचल में उनको भी बता पाएँ। और मैं चाहूँगी कि इस तरीके के कैंप ग्रामीण अंचलों में भी लगें ताकि हम वहाँ जाके भी उन बच्चियों को भी अवेयर कर पाएँ। वैसे हम अपने स्तर पे बिल्कुल प्रयास करते हैं कि हमारी बच्चियाँ पढ़ें बढ़ें आगे आए और यहाँ उन्हें एक संगठन के रूप में किस तरीके से रहना है समन्वय बना के सारी चीज़ें सिखाई जा रही हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।